जी वेलकम टू कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन कनाडा। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आपको मोस्ट अवेटेड वीडियो बताने वाले हैं, देख लो। नहीं, मोस्ट अवेटेड नहीं है ये, वैसे हमारा पता नहीं, हर वीडियो शायद रिक्वेस्टेड है। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप प्लीज अपने अपना होम टूर दीजिए। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम होम टूर बनाते हैं। शैली हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम ऑफिस और शक्ल से आपको पता लग रहा है। और मेरी शाम वाली शिफ्ट है नहीं, तो हम घर के बाहर निकले अपने पार्किंग लॉट में वीडियो बनाने के लिए। वो तो है ही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं भूल गई। क्या बता दूं? अभी मेरी और सर की लड़ाई होके हटी है। हाँ। गंदी वाली। हाँ, 15 मिनट तक चली है। 15-20 मिनट सर ने मेरे को बोला और मैंने सर को बोला। हाँ। फिर उसके बाद हम रिलैक्स हो गए। हाँ। लेकिन काम ही ऐसे करते हैं, सुनने वाले क्या करते। लेकिन द मोस्ट अवेटेड वीडियो तो शायद लोगों को हमारी पीआर स्टोरी जाननी है, वो भी हम बनाएंगे आने वाले व्लॉग्स के अंदर। बट आज हम आपको देते हैं हाउस टूर। एंड दिखाओ शैली जी, पहले तो पार्किंग वगैरह दिखा दो। देते हैं आज आपको। पहले आप सबसे पहले हमारा देखो कि हमारी सोसाइटी है कैसा। अच्छा, मैं एक चीज़ बिफोर यू कट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम आपको एग्जैक्टली एड्रेस नहीं बताएंगे, पर हम आपको ये बता देते हैं कि हम साउथ साइड रहते हैं, राइट। एंड ये एरिया बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा। नहीं नहीं, मैं बताऊंगी आपको एड्रेस, आप हमारे घर आना, सब आ जाना, ठीक है। ये देखिए नज़ारा, दृश्य देखिए, इतना सुंदर। ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है जी। और धूप निकली हुई है, 8:20 हो रहे हैं शाम से। और बहुत खुली और कंजस्टेड नहीं है। हाँ, खुली पार्किंग है, अच्छी सुंदर बालकनी सबकी बनी हुई है, बढ़िया बढ़िया लोग बारबेक्यू चला रहे हैं। तो ये देखिए जी, एंट्रेंस है हमारी अपार्टमेंट की। ये हमारा गेट है और यहाँ से हम, ये हमारा कोड वगैरह डाल के हम अंदर आते हैं और डोर खुल जाता है। अभी तो सर के पास चाबी थी तो उन्होंने चाबी से खोल लिया। ये हमारा लॉकर वगैरह है, अभी कोई बैठा हुआ है तो इसलिए मैं बना नहीं सकती। तो ये है, ये तीन लोग पता नहीं कैसे दिख गए आज, नहीं तो यहाँ कोई नहीं होता, इनकी बातों की आवाज़ हो रही है। ये देखो आप सन्नाटा। ये दिख रहा है ना किसी होटल लॉबी की तरह लगता है। होटल लॉबी की तरह लगता है। ये है हमारी एंट्रेंस। वैसे ये ऐसे भी लगता है अगर यहाँ लाइट बंद हो जाए तो, अरे बाप, सीडीएस मूवी की तरह। हाँ। बिल्कुल एंड में देख लो, काले रंग का दरवाजा। सही में। यहाँ ना कोई देखता भी नहीं जाके, ऐसे ही रहता है हमेशा सुनसान। इस चीज की आदत डाल के आना यहाँ। पर अच्छा है यार, बड़ा नॉर्मल। हाँ, पर ये को सही लगता है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है। हाँ। और किसी की नहीं। ये हमारी एंट्रेंस, आपको क्या लगा, घर का नंबर दिखा दूंगी आपको। घर का नंबर दिखा दूंगी आपको, क्या लगा। ये अब दिखाएंगे हम कालरा साहब को। घर में घुसते ही ये है हमारी एंट्रेंस। और ये एक हमारा लॉन्ड्री रूम है। लॉन्ड्री रूम है, कम स्टोर है क्योंकि इसमें काफी कुछ रखा हुआ है, लाइक तो प्रिंटर भी यही रखा हुआ है, विंटर शूज भी हमारे यही रखे हैं। हाँ, और ये इसके अंदर सप्लाईज है हमारी प्रिंटर की, और भी काफी सारा सामान है ऐसा है जो कि छोटा मोटा उसके अंदर हमारा हो जाता है। बाकी हमारा ये स्टैकिंग रूम भी है। ये बता तो दो एक चीज, ये जो स्टैंड है ना, ये हमारे जो पहले यहाँ पर टेनेंट रहती थी टमेका। हाँ। वो छोड़ गई थी हमारे लिए। ये टमेका। हाँ। हमारे को देके गई थी फ्री। तो इसका जो फ्रंट है वो ये है, ये ऐसे ड्रॉर्स है, इसमें हमारा बड़ा सामान आ जाता है, हमारे प्रिंटर की भी सप्लाईज आ जाती हैं। ओके, ये हमारा लॉन्ड्री बास्केट, ये वॉशर है अपना। हाँ। और ये ड्रायर है, और लॉन्ड्री बास्केट, सारी सप्लाईज, सारी कपड़े धोने की सप्लाईज वगैरह, और वाटर अपना बच्चों का जूस वगैरह, गेटरेड वगैरह, ये सब ये रखा है यहाँ पे। राइट, सो इट्स अ लॉन्ड्री कम स्टोर। या
और ये ह्यूज स्पेस है भाई, मतलब ह्यूज स्पेस है। तो ये देखो घर का दरवाजा, ये रहा मेन एंट्रेंस और यहाँ से घुसते ही ये यहाँ पे जूते हम बाहर ही उतारते हैं। हमारा ये ट्रेंड है हमारे घर का, हम जूते लेके नहीं आते घर में, क्योंकि यहाँ पे ना फिर बर्फ और मिट्टी, मिट्टी तो यहाँ होती नहीं खैर, पर फिर भी छोटा बड़ा जो भी कारपेट पे आता है तो वो बड़ा इरिटेट करता है, और फिर बर्फ वगैरह आती है तो बर्फ के तो जूते ला ही नहीं सकते आप घर में। राइट, एक्चुअली बाहर ही उतारते हैं, बाहर उतारते हैं और अंदर लाके अपने, ये देख रहे हो आप, ये ट्रे है जूतों की, ये जूतों की ना ट्रे है, देखो इस ट्रे पे हम रखते हैं जूते बर्फ के खास तौर पे। हाँ जी, तो अब आ गए हम अपने किचन एरिया में। हाँ जी सर बताइए। तो कुछ नहीं, किचन एरिया में ये रेफ्रिजरेटर ऑफ कोर्स अप्लायंसेस यहाँ लगी हुई मिलती है मोस्टली, राइट, लाइक रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, आपका गैस स्टोव, माइक्रोवेव और लॉन्ड्री ऑफ कोर्स आपने देखी ली है अंदर। तो ये चार पांच अप्लायंसेस मोस्टली साथ में मिलती है, लगी हुई मिलती है। पर ये हमारा अपना है एयर फ्रायर, ये मेरा मिक्सर और ये केटल, और ये अगेन तमेका हमारे लिए छोड़ गई थी। हाँ। ये कुजीन आर्ट का बड़ा अच्छा सा हमारा टोस्टर, अपना काम सही हो जाता है और नया का नया है बिल्कुल। राइट, तो थैंक यू तमेका। हाँ, थैंक यू तमेका। राइट, ओके। हाँ। ये देख लो, मैं ऑफिस से आके बैठ, मेरी चाय रखी हुई है, चाय अभी गर्म करके पीऊंगी, ठंडी हो गई। इसमें स्टोरेज आप देख रहे हो कि स्टोरेज काफी दी हुई है। हाँ, काफी स्टोरेज है और नीचे भी है, और ये डिश वॉशर, इसमें अभी अभी दिखा दूँ आपको, बर्तन लगे हुए हैं, धुल गए हमारे बर्तन, शाम को अपन लगा देते हैं। और ये आइलैंड है। हाँ, ये आइलैंड मतलब इसी में साथ ही बनाई हुआ था, इसके अंदर किचन में। हाँ, और इसके अंदर काफी स्टोरेज है, इसमें भी बहुत स्टोरेज है। और ये अपने जो स्टूल्स दिख रहे हैं, स्टूल्स है, ये हमने तमेका ने एक्चुअली हमारे को सेल किए थे ये। हाँ, और वी पेड जस्ट $50 फॉर दीस थ्री ब्रांड न्यू स्टूल्स। तो बस ये चार होते तो मजा आ जाता है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम तीन लोग बैठ के एट अ टाइम खाना खाते हैं, एक बंदा खड़ा रहता है, खड़ा होके खाता है, शादी की तरह खाना खाता है, जो कि हमेशा महीम ही होता है बेचारा, क्योंकि वो सबसे लंबा है, नीचे कुर्सी में बैठता है तो सही। तो जब हम मेन डोर से एंट्री करते हैं तो क्लोजेट आती है इधर, ठीक है, और इस क्लोजेट में अपने सारा विंटर गियर आप उतार के रखते हो, और हमारे विंटर के शूज भी होते हैं, छोटे बहुत दूसरे वाले शूज भी है। यहाँ भी हमने वो ट्रे लगाई हुई है, आप देखो, ये देखो, ये ट्रे हमने यहाँ भी लगाई हुई है, ताकि कुछ भी मिट्टी, कोई भी पत्थर, कुछ भी होगा तो वो सारा उस ट्रे पे आएगा, फिर हम उस ट्रे को साफ कर लेते हैं, वैक्यूम से भी कर लेते हैं। तो ये क्लोजेट है, एक बड़ा, बहुत बड़ा क्लोजेट है ये, और उसके बाद ये हम आपको बताइए, ये हम गैराज सेल से लेके आए थे, और ये एक मस्त चीज देखिए, टड़ा कॉफी मशीन, ये निंजा की सर, कॉफी मशीन की स्टोरी बताएं। कुछ नहीं, स्टोरी क्या है, मतलब अगले महीने जो कार्ड्स बचे थे उसकी वजह से ये मिली थी। हाँ, सर ने फिर से फतेह कर ली किला। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ, जैसे हम लास्ट टाइम क्यूजीन आर्ट का टोस्टर मिला था, वैसे इस महीने हमें निंजा की कॉफी मशीन मिली है। हाँ, और सीरियसली बिल्कुल वैसी कॉफी, बरिस्ता वाली कॉफी बनती है, नहीं ये इसकी बनती है टिम हॉर्टन्स की, जो टिम हॉर्टन्स तो है ही है, पर जो फैट के फ्रॉथ बना के दूध का, वो तो बरिस्ता वाली बनती है। अब रेमेडी कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में पीते हैं कॉफी जो मर्जी बना के। सो ये एक अपने कॉर्नर बनाया हुआ है, और ये काफी बड़ा लिविंग रूम है, ये लिविंग रूम है। हाँ जी, लिविंग एरिया है, पीछे से अगर तू जाके शैली इसको करेगी ना तो इसका ज्यादा एरिया पता लगेगा, काफी बड़ा एरिया है इसका, अगर आप देखोगे पूरा काउच पड़ा हुआ है, उसके बावजूद सामने आप देखेंगे कि इतना गैप है टीवी और उस काउच के बीच में। अच्छा देखो, ये देखो एक चीज, किचन में ना ये टाइल है, और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है ड्राइंग रूम से लेकर पूरे घर में कारपेट। हाँ, पूरे घर के अंदर कारपेट है, और आप ये लिविंग एरिया, क्योंकि आप देख रहे हो कितना बड़ा एरिया है, और उसके बाद सीधा सामने पैटियो एरिया है इस घर का, आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरी व्यू दिखती है, एंड थैंकफुली हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो हमारे को और भी ज्यादा मजा आता है इसके अंदर, यहाँ पर ये हमारा नेट लगा हुआ है। हाँ,
ये भी हमें तमेका ने दिया था, ये मैग्नेटिक है, ये वेलक्रो के साथ। ये देखो ये ऐसे ऐसे खुल जाता है, फिर आप बाहर निकल गए तो ये अपने आप फिर से सील हो जाता है, मैग्नेटिक बंद हो जाता है। सो दिस अलाउज इन फ्रेश एयर, बट उसके साथ साथ मतलब कुछ अंदर आता भी नहीं है। हाँ, तो ये पैटियो है अपना। ये जो आप देख रहे हो लिविंग रूम के अंदर सामान पड़ा हुआ है, ये टीवी तमायका ने दिया हमारे को, ये हमने पहले भी बताया था। हाँ। और ये भी हमने तमायका से खरीदा था। हाँ। एक्चुअली ये भी $50 का था, बट टीवी वॉज फ्री। और ये जो काउच जिसपे ये आप देख रहे हो, ये काउच ये भी तमायका ने हमारे को दिया था। दिस इज अ सोफा कम बेड, और बहुत अमेजिंग चीज़ ये तमायका ने दिया है। पर ये जो बच्चे दो बैठे हैं ना, हाँ, ये तमायका के लिए हुए नहीं है, ये शैली के। हाँ। और ये जो फैन है ना, बड़ी इस बार हमें इसकी वैल्यू पता चली है सच में भाई। जब 30 डिग्री हो जाता है ना यहाँ पे, इतनी गर्मी पड़ती है, ऐसा लगता है जल रहे हो आप। और यकीन मानना, जब तो फैन ये चलता है, हाँ, मतलब इसकी खाली इसकी हवा इज इक्वल टू एसी। हाँ। और ये फैन भी हमें तमायका ने दिया है। थैंक यू तमायका। तमायका थैंक यू। और ये अब हम आते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ये वाले बेडरूम की तरफ चलते हैं, लेट्स शो देम, वॉक इन क्लोजेट दिखाओ। हाँ, ये मेरा बेडरूम आ गया। कॉफी बना देती यार, कॉफी बनाते हैं अभी। माइम फ्रेंच वनीला अभी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। देखिए जी, ये हमारा जी बेडरूम है, मेरा और कालरा साहब का। अभी इसमें हमारी औलाद बैठी हुई थी घुस के, जो सारा खराब तहस नहस कर गई है इस बेड को, तो इसलिए ये ऐसा हो गया है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, इतना दिमाग भी नहीं है कि ठीक करें दोबारा। और ये देखो, सुबह उठ के नजारे, पहले सबसे पहले मैं बाहर झांकती हूँ, नजारा सुंदर। सो और इस रूम के अंदर ना आप देखोगे पूरी रोशनी है, मतलब काफी बड़ी विंडो है इसके अंदर, और इसके अंदर ना जाली भी बनी हुई है, सो डैट आपको फ्रेश एयर आती रहे, और ना बहुत सही रहता है, बंद हो जाता है, और ना गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी अगर ये खोल लो। और बाहर एकदम ना पेड़, इसके बिल्कुल बाहर छाते ही पेड़ है, और ना सुबह उठते हैं जब, तो यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा होता है, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब ऐसा लगता है ड्रीमलैंड के अंदर उठे हैं यार। और अभी तक ऐसा लगता है, मैं 6-7 महीने हो गए हैं देख लो कनाडा आए हुए, लेकिन हर रोज जब सुबह उठते हैं ना, ऐसा लगता है ड्रीमलैंड है यार। अच्छा, कनाडा के अंदर घरों के अंदर अगर आप देखोगे तो ये इंटरनल हीटिंग सिस्टम होता है, राइट। और ये हमारी जो सोसाइटी है बेसिकली वही मैनेज करते हैं, और इसके अंदर सर्दियों के अंदर मतलब यू गेट हीट फ्रॉम हेयर, और आप अपना थर्मोस्टेट जो है मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा, उससे आप सेटअप कर सकते हो। और मेरा ह्यूमिडिफायर और मेरा बॉल जो अलार्म क्लॉक है, वो बेचारे जमीन पे ही पड़े हैं। क्योंकि उस जो चेस्टर हमने खरीदा है, वो तो कॉफी मशीन के लिए यूज हो रहा है, तो ये बेचारे फिर यही जमीन पे आ गए। तो कॉफी मशीन जमीन, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ तो कॉफी मशीन जमीन पे रख दे और वो ऊपर रख दे। अच्छा, हाँ, कॉफी मशीन जमीन पे रख दे। पर ये है कि नहीं, ये ह्यूमिडिफायर का मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमिडिफायर ना इसलिए यहाँ पे लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब सर्दियों में, जब स्पेशली जब आपका हीटिंग सिस्टम चलता है, तो आपको ना ड्राइनेस फील होती है आपकी नाक में, मतलब गले में, तो उससे क्या होता है कि ह्यूमिडिफायर जब चलता है तो वो भाप जो छोड़ता है उससे एक थोड़ी सी नमी बनती है घर के अंदर। तो वो हम तो सोते हुए चलाते हैं ज़रूर, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे एकदम ड्राई हो जाता है नाक से लेकर पूरा गले तक। और मेरे को उस वजह से, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ों को भी हो सकती है, और बच्चे हैं तो जरूरी लगाएं कनाडा में आप जब भी आए, नोज ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो मेरे को हो जाती थी, क्योंकि मेरे को तो इतने बड़े होके भी हो रही है, तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। हाँ, माइम को भी हो जाती है, मुझे और माइम को ही होती है स्पेशली, तो इसलिए हम तो ये ह्यूमिडिफायर जरूरी चीज है, उसे यूज करते हैं। जी, ये पेंटिंग भी तमेका लगी हुई छोड़ गई थी। हाँ, यहीं पे लगी हुई थी ये पेंटिंग ऐसी। और हमने ना, हम इंडिया से लेके आए हैं अपने फोटो बनावा के और ये सब, पर हम ना यहाँ इतनी, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी मतलब वो है ना, यहाँ पे विपदा कह लो। क्या बोलेंगे उसका, क्या वर्ड होता है पता नहीं, एक वर्ड होता है हिंदी का विडम्बना कह लो, कि हमें कील भी नहीं ठोक सकते अपनी मर्जी से। अगर कील ठोकी तो जाते हुए
ये सारा ठीक करवा के हमें मकान जाना मालिक को देना पड़ेगा। पड़ेगा, इसलिए हम ना पंगा लेते ही नहीं, हमने कुछ भी नहीं लगाया, कोई टील कील नहीं ठोकी यहाँ पर पर, हम अपने घर में लगाएंगे वो। अपने घर में तो लगाएंगे ही। हाँ ये वॉकिंग क्लोजेट है, ये दिखा दो। हाँ ये हमारा जो मेरे बेडरूम में क्लोजेट है वो ओपन है, तो इस ओपन क्लोजेट को यहाँ पे कनाडा में वॉक इन क्लोजेट कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये है मेरा साइड, ठीक है जी। और हमारे झंडे जो लगे हुए शैली के ऊपर। हाँ कनाडा के झंडे लगे, और ये सारा सूटकेसेस हम लेके आए थे सूटकेसेस जो। है, और ये बास्केट्स है मैं गराज सेल से लेके आई हूँ, पता है आपको, ये वाली तो हमने खरीदी है वॉलमार्ट ये से, फ्री लाई है गुजरात सेल से, ये फ्री ये भी तो लाए, खरीदी है। 1 1 डॉलर, अ डॉलर हाँ ईच, इतनी सही चीज मिल गई यार। और ये है काला सबका एरिया, बिल्कुल साफ गंदा, सुथरा, सबसे गंदा। साफ सुथरा। ये सर मैंने करा है सारा, मैंने, आपने नहीं किया है तभी सब साफ सुथरा दिख रहा सब है। सब तेरा ही है भाई हाँ सब मेरा है। ये। और ये फिर वॉकिंग क्लोजेट में से ही जाते हुए ये वॉशरूम है हमारा, तो वॉशरूम ऐसे, ये बाथटब है, और ये हमने कर्टन लगाया हुआ है, और ये वॉशरूम का मिरर है, मिरर देखो आप, पूरा वहां से लेके वहां तक पूरा, पूरी दीवार में मिरर है, और टॉयलेट है कमोड भी दिखा दे। और ये वॉश बेसिन है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज बढ़िया है कि ना गीला नहीं होता है बाथरूम, और आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि गीला ना भी हो, क्योंकि पानी नीचे जमीन पे गिरने का मतलब है, लकड़ी का घर है, हाँ पानी नीचे गिरेगा तो वो सीपिन हो सीपिन जाएगा। हो सकता है, अंदर जा हाँ सकता है पानी राइट फ्लोर के अंदर, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें इस चीज का। राइट ये दूसरा बेडरूम है, बेडरूम, पहले ये तो दिखाए थे क्लोजेट, सॉरी तो ये पेंट्री है, यहाँ खोल के नहीं पे दिखा रहे ये। खोल के नहीं दिखा रहे, थोड़ी सी झांक झांक दो बस, हल्की सी खोल दो ये पेंट्री है, पर ये बहुत भरी हुई है, इसलिए इसको मत देखो ये आप दूसरा बाथरूम है सेम एज वैसे वाला। हाँ जैसे वो वाला बाथरूम है सेम ही है ये भी। और ये कमरा है हमारे, ये देख लो, देख लो उसकी बनियान कहाँ पड़ी है, ये लड़का सबसे ज्यादा गंदा हमारे घर में, छोटा कौन? वाला, छोटा वाला, मैंने बोला था बेटे कमरा साफ कर देना, नहीं जी सब कुछ फैला हुआ है, ये बैग पड़े हैं इनके, ये ह्यूमिडिफायर बच्चों के कमरे में भी लगा हुआ है एक, उसकी अलेक्सा रखी है, ये आ गया गंदा बच्चा, तेरे को बोला था बनियान उठा वहां से इनके कमरे में भी एक हाँ ये क्लोजेट है, क्लोजेट काफी है, बड़ी है ये। हाँ ये और भी मतलब इसमें बहुत जगह है अंदर, ये बच्चों के कपड़े लगे हुए दोनों के, उतनी बड़ी खिड़की है यहाँ पर भी जितनी हमारे बेडरूम के अंदर बेडरूम भी। में है, और उतना वो ही नजारा है हाँ खूबसूरत पेड़ लगे जैसा कि हुए हैं हमारे बेडरूम से दिखता है। राइट। और ये हम गैराज सेल से लाए थे जो हैविश ने यहाँ लगाया। हाँ ये खेलने के लिए बच्चों, और ये टेबल भी गराज सेल से हम लेके आए थे। हैविश एक बास्केट कर दे, चलो ट्राई करते हैं, नहीं वहीं से जाके हाथ से डाल दे यूं यूं करके। हैविश जी बास्केट करेंगे, ओह ओह ओके चलो जी। तो एक चीज बता दो सर थर्मोस्टेट के बारे में। ये थर्मोस्टेट है, ये आपको जिस टेम्परेचर के ऊपर आप सेट करते हो उसी टेम्परेचर के ऊपर आपका घर का टेम्परेचर मेंटेन रहता हाँ है। अभी हमने 22 पे रखा हुआ है कि 25 पे है, ये ये 20 पे है। 20 पे है, हाँ हाँ 20 पे रखते हैं हम, गर्मी में तो सही रहता है, हाँ कंफर्टेबल रहता है। गर्मियों में चलता ही नहीं है भाई हाँ वो चलता भी नहीं है, वो सोसाइटी की तरफ से ही नहीं चलता, वो पर जब बीच में ठंड हो जाती है तो वो चला देते हैं। चला भी देते हैं। तो ये था हमारे घर का टूर एक छोटा सा, और दिस इज होम स्वीट होम। सीरियसली बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पर रहना, और बहुत प्यारा घर है, बहुत प्यारी कम्युनिटी है यहाँ पर। घर से बाहर निकलते ही सामने एक बहुत बड़ा पार्क भी है, बच्चे हमारे वहाँ जाके खेलते हैं। और स्पेस घर के अंदर ना बहुत बढ़िया है, फैमिली ऑफ फोर के लिए अच्छी स्पेस दी हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से हम रहते हैं यहाँ पर। एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल हाउस, मैं सीरियसली बताऊँ। बाकी हमारा महीने का खर्चा कितना होता है, हम रेंट कितना भरते हैं, वो अभी मैं एक छोटी वो सी भी अभी स्लाइड आपको आपको बताते दिखाता हैं, हूँ हाँ कॉफी के साथ कॉफी के साथ।
सर जी अब बनाएंगे अपने लिए मस्त सी कॉफी। हाँ जी बहुत जरा सा, मतलब दो चम्मच। हाँ, इसमें बिल्कुल दो चम्मच जरा सा दूध लिया है बिल्कुल। अब हीट करेंगे 30 सेकेंड्स, माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकेंड्स। ये बहुत काम की चीज है माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए, क्योंकि क्योंकि जब खाना गर्म करते हैं माइक्रोवेव में तो कई बारी हम लोगों के इंडियन ग्रेवीज होती हैं वो हम गर्म करते हैं पूरे माइक्रोवेव में ना स्प्रे पेंटिंग हो जाती है उसको साफ करना इज आफत। और वो अगर वो रह गया और आपको आपको टाइम नहीं लगा करने का तो फिर वो बहुत जिद्दी स्टेन हो जाते हैं। माइक्रोवेव खराब होता है वैसे भी, हमारा नहीं है यार उसका ध्यान, वैसे रखना हमारा हो या किसी का हो ध्यान तो रखना ही होता है, तो साफ रहता है माइक्रोवेव से। और ये सर कितने का मंगाया था मैंने ये तूने मंगवाया था और मेरे को याद नहीं करने पैसे इसके $20 का पर ये बहुत सही चीज है, $20 का बेशक है पर ये बहुत अच्छा है बाकियों से। इसमें ना इसमें स्पेस ज्यादा है। अबे 20 क्या मैं कह रहा हूँ कि हो गई गर्म। हाँ अब इसको गर्म करा है सर ने, अब इसको सर कर लेंगे। ये देखो फ्रॉथ आ रही है, फ्रॉथ बना लेंगे। ये 2 चम्मच दूध डाला था मैंने, उसकी फ्रॉथ देखना तू। 15 सेकंड सर ज्यादा क्रीमी कर लेते, मुझे ज्यादा क्रीमी पसंद नहीं है। पर तू तो वैसी कॉफी नहीं पीती। हाँ मैं तो पीती नहीं। हाँ हो गया सर। हाँ जी अभी सर ने निकाल लिया है, उसका जो अटैचमेंट है उसको धो लेंगे उसी के उसी टाइम, नहीं तो वो ऐसे नहीं रख सकते। और आप ये छोटी सी बर्डी देख रहे हो बैठी हुई, ये हमारा हैबू बना के लाया है स्कूल से, ये कंस्ट्रक्शन में है ना तो ये हैविश ने खुद कट किया है वुड पीस में से और इसमें मेरा नाम लिख के लाया है ये हैबू ने बनाई है, तुमने यहाँ सजा दिया है इसको। और व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कुछ नहीं है बस पॉड डालना है इसमें। तो मुझे तो ये हमारे पास है फ्रेंच वनीला, राइट, टिम हॉर्टन्स की कैपेचिनो फ्रेंच वनीला, एंड ये नॉर्मल ब्लेंड है, ओरिजिनल ब्लेंड है कॉफी का। और ये देखो ये चाय है, ये इंडियन टी, मैं तो यही पीती हूँ जब जल्दी होती है ना। ये देखो बस गर्म पानी में ना ये पैकेट घोल लो और ना अच्छी बनती है ये, मतलब इमरजेंसी में आपको पीनी हो ना चाय, बढ़िया बनती है ये, बहुत ही अमेजिंग। मेरे को ऑफिस में सबसे ज्यादा काम आती है ये भाई। हाँ जी ये मसाला चाय है प्रॉपर। हाँ प्रॉपर मसाला, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसमें चीनी वीनी दूध सब कुछ है, बस आपको गर्म पानी में डाल के मिला लो। और ये जो पॉड्स है ये भी मेरे को 3 डब्बे वॉलमार्ट से ही मिले और इस मशीन के साथ। सो आई हैव चोजन रिच ब्रूइंग स्टाइल जो मैंने इसके अंदर डाला, और सिर्फ 6 औंस मैं इसके अंदर कॉफ़ी कर रहा हूँ और मैं ब्रू स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी। ये जो टाइमर है ना यहाँ पर ये इसके हिसाब से चल रहा है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो इसका मतलब कॉफ़ी बन गई। ये बन गई जी कॉफ़ी। ये क्या हुआ इसे एंड के अंदर वो। अच्छा ये बन गई जी बढ़िया कॉफी। अब सर इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रेट बढ़िया मस्त कॉफी बन गई है। तो ये हमारी कॉफी रेडी हो गई है मस्त। सर पी के बताएं फ्रेंच वनीला। मतलब जो दूध वगैरह फ्रॉथ करके डाला है वो मस्त आइटम आई है ये। और हमारा बहुत मन था कि कॉफी मशीन हमारे घर में होनी चाहिए क्योंकि सर को थोड़ा कॉफी पीने का शौक है। और ना सबसे बड़ी बात ये है कि हमने आते ही इसको खरीदना चाहा। हाँ, फिर हमारा हाथ ही नहीं पड़ा क्योंकि ये महंगी मशीन है। $250 की थी, 275 की थी, जब 220 275 की थी, 220 में तो कॉस्को में थी। हाँ। फिर ये 200 की हो गई कॉस्को में, फिर भी हाँ 170 की नहीं ले गए। हम वेट करते रहे कम होगी कम होगी, फिर बढ़ गई। पैसे होंगे हाँ। फिर हम जीत लाए क्योंकि हमें पीनी थी कॉफी निंजा की। मैं पीऊंगी अपनी चाय, सर पी रहे हैं कॉफी। सर जरा हिसाब बना रहे हैं आपको बताने के लिए कि कैसे
क्या क्या एक्सपेंसेस हमारे मंथली है, और ये रहे बढ़िया वर्क क्या के नमकीन नमक पारे साथ में, यार ये बहुत स्वाद होते हैं। हाँ जी सर, कैसे होते हैं ये भाई? कॉस्को में आप वॉलमार्ट से लोगे ना तो ये $5 के आसपास का एक डब्बा है, एक डब्बा साढ़े चार, और अगर आप कॉस्को से लोगे ना तो मेरे ख्याल $6 के दो है, $6 के दो है। तो हम कॉस्को से ही लाते हैं हमेशा। बहुत मतलब एक्चुअली कॉस्को में ये प्लेन वाले मिलते हैं और वॉलमार्ट में ना मसाले वाले भी मिलते हैं, तो अगर कभी मसाले वाला लाना होता है तो फिर वॉलमार्ट से ले आते हैं, अदरवाइज हम ये कॉस्को से ही लाते हैं मस्त चीज। सर कितना टाइम लगाएंगे आप? बस बना रहा हूँ 2 मिनट में, आज जो सुबह तू बोल के गई थी ना वो कर दिया मैंने। ये देखो मैं नोट लगा के जाती हूँ इनके लिए, पढ़ लिया आपने? ये हैविश को खिलाने के लिए बोल के गई हूँ, क्योंकि ये ना, और फिर भी इन्होंने एप्पल नहीं खिलाया लड़के को, क्योंकि उस उनके बेटे ने मना कर दिया, इसलिए वो तो मना करेगा ही, तुमने काट के देना था ना उसको, एक काम बोलो इनसे होता नहीं है। पर आज सर ने सारा घर बहुत अच्छे से मेंटेन रखा हुआ था, थैंक यू वेरी मच सर, इतना एफर्ट डाला आपने, इतना काम किया, रोज किया करो ऐसा काम, ठीक है? एक दिन स्पेशली नहीं करना होता, क्योंकि आज मैंने कहा आज हाउस टूर दे देते हैं, होम टूर, तो फटाफट से जरा सफाई कर लेना, तो सर ने सफाई कर ली थी, वैक्यूम वगैरह कर दिया था। आई होप आपको घर अच्छा लगा होगा, और अब हम आपको बताते हैं कि इसका रेंट कितना है, और इनफैक्ट शैली और मैं भी यही सोच रहे थे कि हम खाली रेंट क्यों, जो एज अ फैमिली ऑफ फोर हमारे महीने के एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पर, राइट, वो कितने हैं वो भी हम थोड़ा सा ब्रेकअप आपको दिखाते हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा कि एक्सपेंसेस क्या है, उसके बाद एक हम लिस्ट डाल देंगे स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप देख के जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन अगेन ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, आप ये मत सोचना कि ये इतना ही होगा, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट तो स्टार्टिंग करते हैं रेंट से। रेंट हमारा है $1,350 और इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है। इसके बाद हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है महीने का वो लगभग $80 से $90 के बीच में आता है। उसके अलावा जो हम राशन डालते हैं महीने का कॉस्को से वॉलमार्ट से अलग अलग स्टोर से जाके लगभग $700 के आसपास का वो राशन है, जिसमें क्योंकि वी आर नॉन वेजिटेरियंस, हो सकता है वेजिटेरियंस का थोड़ा कम हो, राइट, एंड मतलब ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए आपको बता रहा हूँ लगभग इतना खर्चा आता है इसमें। हम घी नमकीन बिस्किट यू नेम इट, आई मीन हम कंजूसी नहीं करते हैं इसमें, राइट। उसके अलावा हमारे फोन्स के बिल हैं, हम चारों के पास फोन्स हैं, महीम हैविश और मेरे पास आईफोन 12 है, शैली के पास आईफोन 13 है, और इंक्लूडिंग बिल्स और हमारे फोन्स की चार्जेस को मिला के इट्स अराउंड $240 अ मंथ फॉर ऑल द फोर फोन्स, ठीक है। इंटरनेट हमारे घर में लगा हुआ है बहुत अच्छी स्पीड का, 1000 GB की स्पीड है, $60 अ मंथ टेलस का लगा हुआ है। मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जाती है, क्योंकि मैंने एक क्रेडिट कार्ड से पे करके उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट बनवाई थी, तो शायद थोड़ी सी ज़्यादा है, अदरवाइज इतनी इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। आप मान के चलें कि एक गाड़ी की किस्त $400-450 के आसपास की होती है, पर मैं $550 भरता हूँ हर महीने के। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले साल में इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव होती है गाड़ी की, तो मैं $400 अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भी भरता हूँ। $25 मेरी जाती है कॉन्डो टेनेंट इंश्योरेंस, मेरा ये कॉन्डो जो है ये इंश्योर्ड है फ्रॉम अ टेनेंट परस्पेक्टिव, कि यहाँ पर चोरी हो जाए, वाटर लीकेज हो जाए, ओवरफ्लो हो जाए, गलती से आग लग जाए या जो भी है, वो सब इसमें कवर्ड है। बस पासिस पे हम मेरा पास नहीं बनता है, सिर्फ महिम हैविश और शैली का बनता है, क्योंकि मैं गाड़ी से कम्यूट करता हूँ, तो हमारा $35 का पास बनता है पर पास, विच इज़ $105, क्योंकि हम LAB प्रोग्राम हमारा जो है वो अप्रूव्ड है, तो वैसे पास एक जो है वो $100 का है, तो आपको LAB प्रोग्राम अप्रूव कराना है अगर $105 के 3 पास बनवाने हैं, तो $35 पर पास फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। पेट्रोल लगभग जो है $200 के आसपास लग जाता है, और मिसलेनियस मैंने इस फाइल के अंदर 200 के करीब लगाए हैं,
अब मान के चलो वेरी करता है, किसी महीने आपको आपके 100-125 लग जाएंगे, किसी महीने आपके 300 लग जाएंगे, तो एट एवरेज निकाल लिए तो ये टोटल जो एक्सपेंस इसमें दिखा रहा है वो 39,320 का दिखा रहा है। ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, मतलब इसी के आसपास का ही खर्चा होता है इसमें। 50-100 ऊपर कर लो, नीचे कर लो, नीचे कभी नहीं होता, ऊपर ही हो जाता होगा। बट ये है जो है एक फैमिली ऑफ फोर का जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, वो होता है। और मैं ज्यादा इसलिए कह रहा हूँ 50-100 ऊपर लग जाता है क्योंकि ये गैराज सेल तो ढूंढती रहती है हर जगह हर टाइम, ठीक है। सारा सामान मैंने इनका घर भर रखा है। बेड्स हमने आपको अंदर दिखाए थे, तो वो मतलब हमने पिछले ब्लॉग्स के अंदर भी दिखाए हैं, तो बेड्स का मैंने इसलिए इसके अंदर कवर नहीं किया बिकॉज बेड्स हमने खुद ही खरीदे थे। और वो ब्रिक वाला ब्लॉग हमारा फोर्थ या फिफ्थ ब्लॉग है जब हमने मैट्रेसेस खरीदे थे, तो उसके अंदर सारी डिटेल है उसकी, वो जाके ज़रूर देखिएगा कैसे डील्स अच्छी मिलती हैं। बाकी मोर और लेस शैली को आ रही है नींद क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। हम अभी डिनर करके ना बीच में हमने रोक दिया था, एक्चुअली स्टॉप कर दिया था, तो खाना खाना था तो अब शैली सुबह से काफ़ी मतलब शी इज़ वेरी टायर्ड क्योंकि उसको बहुत लंबी मतलब शिफ्ट करके आई है वो, और आप जानती हो सिक्योरिटी के अंदर मेहनत वाकई बहुत होती है, तो हर काम में ही मेहनत है। हाँ मतलब इसके अंदर थोड़ा सा बिना कौन सा काम हो रहा है। हाँ मतलब स्टिल मतलब ये इस तरह की है कि बहुत ज्यादा फिजिकल वो हो जाता है। तो इसके साथ ही वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। जाने से पहले आपको दिखा देते हैं बाहर, हमने लाइट्स ऑन की हैं, कितना प्यारा माहौल है, अभी अभी सूरज डूबा है। और उसके साथ ही अगर आपको पसंद आया हो हमारा होम टूर, छोटा सा हमारा ये एफर्ट, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारा घर कैसा लगा। और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा बाय द वे जस्ट बिफोर वी एंड, हमने 550 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट। और बहुत हर जगह से मतलब दुनिया के हर कोने से कमेंट आ रहे हैं, ये बहुत बहुत हमारे को मोटिवेशन देता है। वी आर एट 563 नाउ एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। सो मच थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, सपोर्ट करें हमें बिल्कुल। और बाकी के टाइम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। बाय बाय, सी यू फ्रॉम एडमिंटन। ये देखो जी बाहर का माहौल इस समय कितना प्यारा है, और ये लाइटें जग गई हमारी। बाय बाय।